कानपुर नगर निगम की महापौर सीमा शाह के भिकनपुर स्थित घर में शुक्रवार की बीती देर रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर स्थित महापौर आवास पर पिछले दो दिनों से कोई नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की वारदात को लेकर मेयर सीमा शाह ने बताया कि वो लोग घर पे नहीं थे और शनिवार की सुबह उन्हें फोन पर उनके घर का ताला टूटे होने की सूचना मिली, जिसके बाद वो लोग आनंद फानंद में वापस लौटे तो देखा कि घर से जमीन के कागजात और करीब 4 लाख रुपया समेत कई सामान गायब था। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, आज चोरी जो हुआ, मेन मेरा था दस्तावेज, जो कागज जो चोरी हुआ वो मेरे मिल जाए ये बहुत है, लेकिन ये घटना आज मेरे यहाँ हुआ। छोटे मोटे घर में तो क्या होता होगा, इस शहर में सुरक्षित होना जरूरी है और साथ में जो हम आपस में एक्टिव भी होना जरूरी है कि आज मान लें मेरे घर चोरी किया, कल दूसरे घर में चोरी करेगा तो उसको सजा सबसे बड़ा देना जरूरी है, वो मिल जाए ये बहुत, उसको खंगालना बहुत जरूरी है। कब की घटना है ये और चोर क्या क्या लेकर के? हम अभी वहाँ से आए, फुटेज उसका पूरा खंगाले, फुटेज में वो 3 बजे घुसे हैं, अब 5:18 पर निकले हैं सुबह में। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब था तो हम 12 तारीख यहाँ से दिखा गए थे और उसके बाद मंगलवार को मेरी बेटी गई थी, यहाँ से बेटी रहती थी, बेटा बेटी रहती थी, मंगल को बेटी गई कि तबीयत खराब, मम्मी के जा रहे हैं, मतलब चोरी साकुन वाले आवास पर नहीं, ये यहाँ पे हुआ। अच्छा। यहाँ पे हुआ, भागलपुर में हुआ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 9वें दिन सुल्तानगंज अजकैबीनाथ धाम से 71,000 कांवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा जल भरकर देवगढ़ बाबा धाम के लिए अपनी कांवर यात्रा शुरू की। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कांवरिया पथ में जगह जगह पुरुष और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि अजकैबीनाथ गंगा घाट और जहाज घाट पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कांवरियों की सुविधा के लिए जगह जगह अस्थायी सहायक थाना और स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। वहीं शनिवार की सुबह से ही अजकैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पहुँचने वाले कांवरियों ने गंगा स्नान कर बाबा अजकैबीनाथ की पूजा अर्चना की और बोल बम के जयकारों के साथ अपनी पैदल कांवर यात्रा शुरू की, जबकि काफी संख्या में शिव भक्त वाहन से देवघर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। वहीं विभाग के आंकड़ों के अनुसार 486 पुरुष डाक बम और 3 महिला डाक बम के अलावा 70,000 से अधिक सामान्य कांवरिया देवघर के लिए रवाना हुए। इधर कांवरिया शिविर में रात्रि के समय भजन गीत की व्यवस्था की गई है, जबकि गंगा घाटों पर प्रतिदिन गंगा महासभा द्वारा गंगा महाआरती की जा रही है। भारत सरकार रेल मंत्रालय के निर्देश पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 18 जुलाई से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शनिवार को समापन समारोह हुआ। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम के समापन समारोह के शिवाद DRM यतीन्द्र कुमार, बालेश्वर प्रसाद भगत, नारद प्रसाद सिंह और अमर मोहन सहाय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वर्चुअल मोड में कई डिवीजन से जुड़कर किए जा रहे कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया। इधर कार्यक्रम को लेकर स्टेशन अधीक्षक राजीव शंकर ने बताया कि समापन समारोह में स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए जिससे कई अहम जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि 6 दिवसीय कार्यक्रम काफी सफल रहा, जबकि इस दौरान लोगों को कई बिंदुओं पर जागरूक किया गया। वहीं समारोह में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हुए कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक और परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर मनोरंजन किया गया, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की भी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। मौके पर मालदा रेल मंडल के कई अधिकारी समेत भागलपुर रेल अधिकारी, कर्मचारी और काफी संख्या में रेल कर्मी और आम लोग मौजूद थे। 75वां अमृत महोत्सव है, मोदी जी के आह्वान पर ये चल रहा है, उसका सेलिब्रेशन है। भागलपुर 75 चयनित स्टेशनों में से एक है, तो यहाँ पे जो नुक्कड़ नाटक और जो यहाँ के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान, आनंद मोहन सहाय जी के सुपौत्र भी आए, बाकी बिंदेश्वर जी भी आए और एक नारद भगत जी भी यहाँ पे आज उपस्थित हुए थे, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और रेलवे बोर्ड से हमारे रेल मंत्री वगैरह और रेल पूरा अन्य स्टेशनों पे काफ़ी उनसे बातचीत की गई और उसी कड़ी में मतलब रेल ये आज़ादी की रेलगाड़ी ये कार्यक्रम का नाम दिया हुआ है।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति के नहीं होने से कई काम अटके हैं। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को हटाने और अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी है। वहीं सेवा संपुष्टि की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर TMBU के 12 कॉलेजों और सभी पेजे विभागों में शिक्षकेतर कर्मियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल और तालाबंदी के कारण पठन पाठन से लेकर अन्य कामकाज ठप है। स्थिति यह है कि नामांकन परीक्षा और डिग्री लेने के लिए छात्र कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे TMBU का प्रभार लेने के बाद वर्ष 2021 में मात्र 4 बार भागलपुर आए और इस वर्ष 1 बार भी नहीं। वहीं TMBU में शनिवार को लगातार 8वें दिन छात्र संगठनों और कर्मचारी संघ का आंदोलन जारी रहा। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के गेट के सामने धरना पर बैठे रहे, जबकि कॉलेज कर्मी भी TMBU मारवाड़ी SM कॉलेज समेत कई कॉलेजों में धरना देते रहे। प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में हॉस्टल के छात्रों ने सरकार और कुलाधिपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। प्रोफेसर राम सेवक सिंह ने कहा कि 27 साल की नौकरी में उन्होंने कभी विश्वविद्यालय की ऐसी बदहाल स्थिति नहीं देखी। उन्होंने कहा कि स्थायी कुलपति को लेकर छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। छात्र संगठन के समर्थन में सवाल पर पूर्व प्रॉक्टर ने कहा कि छात्र छात्राओं की समस्या दूर करने के लिए वह हृदय से ही नहीं अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे। हम तो इस छात्रों की समस्याओं के लिए अपने हृदय से नहीं, अगर हमारी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो भी समर्थन में है। हमारे बच्चे आज मर रहे हैं, हमारे बच्चे को नौकरी से वंचित हो रहा है, हमारे बच्चे को डिग्री के कारण कमीशन से वंचित हो रहा है। ऐसे समय में हमारे कुलपति यहाँ नहीं आते हैं और सरकार इतनी अंधी बहरी है कि उनके कान तक आवाज़ नहीं जा रही है। एक उनको कुलपति नहीं मिल रहा था, ऐसे सरकार को क्या रहने कहाँ का। आज तक मेरा 27वां साल है, इस तरह की स्थिति आज तक मैंने नहीं देखा। 27 साल से मैं इस विश्वविद्यालय में विभिन्न पद पर भी रहा हूँ, ऐसी स्थिति आज तक नहीं मैंने देखा। हमारी सरकार से और केंद्र सरकार से यदि सुने तो हमारी एक ही मांग है, जिस हमारे बिहार के कोई सम्मानित शिक्षक को यहाँ कुलपति दे, न कि बाहर वाले भड़ुआ का यहाँ दे दे। राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के नीलेश कुमार ने बताया कि कुलपति के नहीं रहने के कारण विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और चारों तरफ अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। धरना पर बैठी छात्राओं ने कहा कि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बजाय प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्राओं ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर तालाबंदी के साथ साथ सड़क जाम किया जाएगा। मौके पर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि तालाबंदी के 8 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई सूद न लेना सत्ताधारियों की उदासीनता और संवेदनहीनता को स्पष्ट दर्शाता है। राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के विश्वविद्यालय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रामाश्रय यादव जैसे व्यक्ति कुलपति रहे, लेकिन वर्तमान में राजभवन ने हनुमान प्रसाद पांडे जैसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभारी कुलपति नियुक्त करके TMBU की गरिमा को धूमिल कर दिया। छात्र राजद के प्रवक्ता आशुतोष यादव ने कहा कि बिहार की वर्तमान दशा ऐसी हो चुकी है कि हजारों छात्र बिहार की कुंठित शिक्षा व्यवस्था से आहत होकर पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। धरना प्रदर्शन में TMBU कॉलेज दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक चंदन कुमार, समाजशास्त्र विभाग के नीलेश कुमार, मारवाड़ी कॉलेज अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर भवेश कुमार, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ झा, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला महासचिव निशातुर रहमान, CPI नेता भावेश यादव समेत छात्र राजद के दर्जनों कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। हम लोग की मांग यही है कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, जो कि एकदम जायज है। इसके बिना हम पूरा शिक्षा ठप हो चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, TNV कॉलेज हो, मारवाड़ी कॉलेज हो, सबकी शिक्षा नीति एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है, जो कि एकदम बीजी को जरूर से जरूर सुनना चाहिए। पता नहीं क्या हो गए, ढीठ हो गए हैं कि क्या हो गए हैं, एकदम समझ नहीं आ रहा। इतना तो मतलब भैंस के आगे बिन होया तो वह हमको लगता है डोल देगा, जितना कि भीसी ने डोल पा रहे हैं। उनको एकदम इस्तीफा देना चाहिए, जो इतना दिन से सुन नहीं पा रहे हैं, उसको कोई हक ही नहीं हो इस यूनिवर्सिटी को चलाने का। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द BC यहाँ पे आ जाए, अगर नहीं आते हैं तो हम लोग सड़क जाम भी कर देंगे और धरना पे बैठे ही रहेंगे जब तक नहीं आएंगे और तालाबंदी कर देंगे। विश्वविद्यालय में जो है किसी भी विभाग में जो है
अगर आप देखते हैं तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, बहुत ही अराजकता का माहौल है। देखिए विश्वविद्यालय के जो अंग हैं छात्र, शिक्षक और कर्मचारी, कर्मचारियों जो है वो सभी लोग अलग अपनी मांगों को लेकर के जो है हड़ताल किए हुए हैं, और छात्रों का जो मांग है बहुत ही जायज़ है, और राजद शिक्षक प्रकोष्ठ उनके इस मांग का जो है भरपूर समर्थन करता है। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। नरसेवा नारायण सेवा संगठन की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती भागलपुर आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद शहीद स्मारक के पास धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नरसेवा नारायण सेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने आजाद चंद्रशेखर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और आजादी की लड़ाई में इनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश मंडल समेत काफी संख्या में अलग अलग क्षेत्र से आए लोग मौजूद रहे। क्योंकि देश के सार्वभौम नायक जिन्होंने आजादी का नारा दिया, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती है आज, और आजाद जी ने कहा कि मैं जीवन भर आजाद रहूंगा, और यह कह कर उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। अल्फ्रेड पार्क में जब उनको अंग्रेजों की फौज ने घेर लिया, दोनों ओर से भयानक गोलियां चलने लगी, आजाद पूरा मुकाबला करते रहे, डटकर मुकाबला करते रहे, लेकिन एक गोली उन्होंने बचा करके रख ली। और जब अंतिम समय आया कि अब कोई उपाय नहीं है, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, तो अंग्रेजों के पल्ले में जाने से पहले कि मैं अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं जाऊंगा, गिरफ्तार नहीं होऊंगा, उन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 10वें दिन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, डीआरडीए निदेशक प्रमोद कुमार, एसडीओ धनंजय कुमार और एएसडीओ अनु कुमारी सहित कई पदाधिकारियों के साथ सुल्तानगंज अजकैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां डीएम ने अधिकारियों के साथ अजकैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट, कच्ची कांवरिया पथ, अस्थायी स्वास्थ्य शिविर और कांवरिया शिविर का निरीक्षण कर मेला का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर दवा की उपलब्धता की जानकारी ली, साथ ही कांवरियों की सुविधाओं को लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा गंगा घाट की साफ सफाई, कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा समेत तमाम बातों पर डीएम ने नियमित नजर बनाए रखने की बात कही, साथ ही कांवरियों की सुविधाओं को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और कमियों को दूर करने को कहा गया। मौके पर सीओ शमुसरन राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित कई पदाधिकारी और पुलिस कर्मी मौजूद थे। हाँ, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और हम लोगों की तैयारी भी मुकम्मल है। आप देख रहे होंगे साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या कांवरियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, पार्किंग की व्यवस्था हो, तो सभी व्यवस्थाएं जो है जिस भी पदाधिकारी को जो जिम्मेवारी दी गई है सब लोग बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी कर्मी हों या डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सिविल साइड के ऑफिसर्स हों, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और इस बार जो श्रद्धालु हैं, कंवरियाँ हैं, वो काफ़ी इसको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिस पे प्रतिदिन 2 बार हम लोग रिटर्न रिपोर्ट प्राप्त करते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट से।
भागलपुर सुल्तानगंज के जगन्नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटा घोड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। इस दौरान घोड़सवार दल के पुलिस कर्मी चंद्रकिशोर मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरिया मार्ग में कांवरियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज कैबिनाथ धाम से कांवरिया पथ तक 24 घंटे घुड़सवारी दल सुरक्षा कार्य में लगी हुई है। मौके पर एक पुलिस कर्मी मौजूद है। सभी जगह दिया गया चौकस रहना है, हर चीज का ध्यान देना है। मॉनिटरिंग किया जा रहा है कांवरिया पथ पर, मॉनिटरिंग किया जा रहा है 24 घंटा। कितने संख्या में आप लोग? 9 की संख्या में। नाम क्या हुआ सर? चंद्रकिशोर मंडल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें भागलपुर न्यू होराइजन स्कूल के छात्र छात्राओं का शानदार प्रदर्शन रहा। स्कूल में उस समय दोहरी खुशी छा गई जब कुछ ही अंतराल में 12वीं और 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू होराइजन स्कूल के स्टूडेंट्स ने परचम लहराया है। छात्र छात्राओं ने 12वीं के साइंस और कॉमर्स में 100% मार्क्स लाकर स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं 10वीं का परिणाम में 100% रहा। न्यू होराइजन स्कूल की निर्देशिका सह प्राचार्या डॉक्टर समीना रहवरी ने कहा कि छात्र छात्राओं के 100% परिणाम से आज संपूर्ण स्कूल परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया कि 12वीं के सायन ने 97% अंक लाकर स्कूल में टॉप किया है, जबकि पायल ने 95% अंक लाकर कॉमर्स में। डॉक्टर समीना रहवरी ने जानकारी दी कि 10वीं के छात्र छात्राओं में खुशी, रोहन, प्रियांशु ने 96% मार्क्स लाया है। वहीं सभी स्टूडेंट्स के अच्छे परिणाम पर प्रिंसिपल डॉक्टर समीना रहवरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक और टीचर्स को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के समीप पटरी पार करने के दौरान एक वृद्ध की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक वृद्ध की पहचान नारायणपुर वार्ड नंबर 25 निवासी 90 वर्षीय देव की मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि शनिवार को उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने के दौरान ही वो अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेल थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। डॉक्टर के पास जा रहे थे दवाई लाने के लिए, अकेले ही? नहीं, और था दादा, अकेले आया, उसके बाद में फिर आया पीछे से। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 9-10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। भागलपुर के सरहोला प्रखंड में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं प्रशासनिक दबाव के कारण प्रखंड के सिलहन खजूरिया पंचायत स्थित बेलदिया गांव के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। दरअसल अवैध खनन को लेकर बेलदिया गांव के लोगों का कहना है कि वे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कार्य करा रहे हैं और इसके लिए उन्हें बालू की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही कहा कि प्रशासन द्वारा बढ़ती गई सख्ती के कारण उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात शुरू होने से पहले उन्हें आवास निर्माण कार्य पूरा करना जरूरी है। साथ ही कहा कि काफी मशक्कत के बाद अगर उन्हें किसी तरह से बालू मिल भी जाता है तो काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। हालांकि इन सभी बातों के बावजूद किसी भी स्थिति में अवैध बालू खनन को जायज नहीं ठहराया जा सकता, जबकि प्रशासन द्वारा नियमित रूप से इस तरह की कार्यवाही बालू माफिया के खिलाफ नहीं करने के कारण अवैध खनन का कारोबार कुछ पुलिस कर्मियों के संरक्षण में फलता फूलता रहता है। बालू परेशानी, बालू वालू नहीं मिलता है, बहुत मशक्कत के बाद बालू कहीं से मिलता है तो 10,000 रुपया गाड़ी मिलता है। 10,000 रुपया गाड़ी? कौन गाड़ी से? यही एक्सेप्टिवला से। बालू है, कैसे हम लोग घर बनाएंगे? झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। 10,000 का गाड़ी मिल रहा है, उसमें भी नहीं मिल रहा है। सरकार बहुत स्कार्सिटी कर दिया है, गरीब को कैसे रहेगा? झोपड़ी झापड़ी में कैसे बनाएगा, कैसे रहेगा?